हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ साइलेंट पढ़ाई पर। इस वीडियो में हम आर्टिकल 21 को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। इस तरह के और वीडियो के लिए आप साइलेंट पढ़ाई को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो यहाँ पर ये जो है आर्टिकल 21, वो हमें प्रोटेक्शन देता है, हमारे लाइफ को ये प्रोटेक्शन देता है और पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्शन देता है। ओके, तो पर्सनल लिबर्टी के मतलब क्या होता है? आज़ादी। किस तरह की आज़ादी? पर्सनली जो हम आज़ादी महसूस करना चाहते हैं उस तरह की आज़ादी को ये प्रोटेक्ट करता है। तो आर्टिकल 21 डिक्लेयर करता है कि किसी भी पर्सन को उसके लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से वंचित नहीं किया जाएगा। ओके, और अगर उनकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से वंचित करना है तो उसका सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो है प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब कि किसी भी की लॉ के अंदर जो प्रोसीड्यूर बताया गया है उसी प्रोसीड्यूर के तहत ही किसी पर्सन के लाइफ को छीना जा सकता है, उसके लाइफ से उसे वंचित किया जा सकता है और दूसरा कोई भी तरीका नहीं है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इसे काफ़ी अच्छे से समझने की ज़रूरत है। और ये जो राइट है आर्टिकल 21 के अंदर, ये सिर्फ सिटीजन तक ही अवेलेबल नहीं है, जबकि नॉन सिटीजन्स को भी ये राइट अवेलेबल है, मतलब फॉरेनर्स के पास भी ये राइट होते हैं। तो यहाँ पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, एक है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एक है प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये दोनों एक तरीके हैं। तो इंडिया में जो प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है ये जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ओके, जबकि यूएसए में क्या है? यूएसए में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, मतलब कि यूएसए में अगर किसी पर्सन को उसका लाइफ से वंचित करना है तो उसके लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं वो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जबकि इंडिया में अगर किसी पर्सन को उसके लाइफ से वंचित करना है तो वो जो तरीका है वो है प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो यूएसए में देखते हैं क्या है। तो ये जो वर्ड है ड्यू, ड्यू का मतलब होता है उचित, सही, ठीक है। तो जो लॉ बनना चाहिए, जो लॉ बनाया गया है किसी पर्सन को उसके लाइफ से वंचित करने के लिए, वो जो लॉ है वो ड्यू होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। और ये सही है कि गलत है, इसका जो डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट करेगी। मतलब वहाँ पर क्या है, यूएसए में अगर किसी सिटीजन को लगता है कि वहाँ की जो पार्लियामेंट है जिसे कांग्रेस कहा जाता है, अगर वो कोई एक ऐसा लॉ बना देती है, ओके, जो उनको लगता है कि ये लॉ जो है वो ड्यू नहीं है, सही नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, ठीक है, वहाँ पे केस कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट इस लॉ को इनवैलिड भी कर सकती है क्योंकि ये सही नहीं है। ओके, लेकिन इंडिया के केस में क्या है, इंडिया में जो वर्ड लिखा गया है वो है प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब किसी भी पर्सन को उसका लाइफ से वंचित किया जा सकता है, ठीक है, एक लॉ के द्वारा, ठीक है, लॉ के में जो प्रोसीड्यूर बताया गया है। अब ये जो लॉ है ये सही है गलत है, ठीक है, इसकी डिसीजन करने की पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं दी गई है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अगर लिटरली फॉर्म में देखें, अगर जनरली फॉर्म में देखें, तो इसका मतलब यही होता है कि लॉ के अंदर जो भी प्रोसीड्यूर बना दिया गया है उस प्रोसीड्यूर के अंदर किसी भी पर्सन को के लाइफ को छीना जा सकता है, ठीक है। अब ये जो लॉ है वो सही है कि गलत है, ठीक है, इसका पावर सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। लेकिन कुछ जजमेंट्स ऐसे आए, ठीक है, जिसने इंडिया की हिस्ट्री ही बदल दी इस फील्ड में, तो उन इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को देखना बहुत जरूरी है। तो जो पहला जजमेंट था, ठीक है, वो था गोपालन केस 1950 का। गोपालन केस 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही नैरो जजमेंट, बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन किया आर्टिकल 21 का। इन्होंने क्या कहा कि आर्टिकल 21 के अंदर जो हमें प्रोटेक्शन मिला है, ये प्रोटेक्शन सिर्फ आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट है, ना कि आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन के अगेंस्ट। मतलब क्या है कि अगर पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर कोई एक ऐसा लॉ बनाता है जिससे किसी पर्सन की लाइफ को छीना जा सकता है, ठीक है, तो वो लॉ चाहे जितना भी मनमाना हो, ठीक है, वो लॉ चाहे जितना भी मनमाना हो, इसे इनवैलिड नहीं कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, लॉ जो भी बना दिया जाए, ठीक है, लॉ को इनवैलिड करने का अधिकार क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं। लेकिन ये जो आर्टिकल 21 के अंदर प्रोटेक्शन अवेलेबल है वो आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट है। मतलब कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन अगर होता है, कोई सरकार अगर कोई एक्शन लेती है, वो मनमाना होता है, वो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बीच में आ सकता है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, तो इसके अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन लॉ के अगेंस्ट नहीं हो सकता है, लॉ चाहे जैसा भी बन गया हो, मनमाना, गलत, ठीक है, हम उसके अगेंस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये था गोपालन केस। ओके, मतलब क्या हुआ कि स्टेट किसी पर्सन की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को छीन सकती है किसी लॉ के मुकाबले के मुताबिक, और इस लॉ को चैलेंज नहीं किया जा सकता है कोर्ट में। क्यों? क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोसीड्यूर बताया गया है, जो प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, ठीक है, जो कि अलग है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, जहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। मतलब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में
अगर कोई लॉ सही है कि गलत है ये तय करने का पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में क्या है, प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश बाय लॉ, लॉ जैसा भी बना दिया जाए उसके अकॉर्डिंग ही काम चलेगा, ठीक है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी पावर नहीं है। मतलब यही है कि लॉ का जो वैलिडिटी है वो किसी, वो इस ग्राउंड में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है कोर्ट में कि ये जो लॉ है वो अनरीजनेबल है, अनफेयर है, अनजस्ट है, मतलब ये जो लॉ है वो गलत है, मॉरली गलत है, नेचुरली गलत है, ठीक है, ये मनमाना है। ओके, इन ग्राउंड्स पर हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ओके, और दूसरी बात, इन्होंने क्या कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो पर्सनल लिबर्टी का जो मामला है, ठीक है, पर्सनल लिबर्टी का मतलब वही होता है कि एक पर्सन के पास जो आज़ादी होती है अपने बॉडी पर, ठीक है, बस वही, इसके अंदर वो सारे राइट नहीं आते हैं जैसे कि हमारे पास राइट है अच्छा एजुकेशन के लिए, अच्छी इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी, इस तरह के राइट्स जो है वो नहीं आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का बस यही करना था कि जो बॉडी पर हमारा जो राइट्स है, ठीक है, बस इतना ही, उससे अधिक नहीं, कि हम बहुत ही प्रतिष्ठा के साथ लाइफ जिए, ह्यूमन डिग्निटी के साथ लाइफ जिए, इस तरह की चीज़ें नहीं थी। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट केस आता है जो कि हिस्ट्री बदल देती है इंडिया की, वो है मेनका गांधी केस 1978। मेनका गांधी जो कि इंदिरा गांधी की बहू थी, ठीक है, संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी, ओके, जो कि अभी यूपीए गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्टर भी है, ठीक है, उनका केस आता है मेनका गांधी केस 1978। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो प्रीवियस जजमेंट था गोपालन केस का उसे ओवर रूल कर दिया, ठीक है, उसे गलत बताते हुए उसने आर्टिकल 21 को बहुत ही वाइड इंटरप्रिटेशन जो है वो किया। इन्होंने क्या कहा कि ये जो लाइफ टू लाइफ है, पर्सनल लिबर्टी है, ठीक है, ये हाँ ये ठीक है कि किसी भी पर्सन के लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को छीना जा सकता है एक लॉ के द्वारा, लेकिन ये जो लॉ बनना चाहिए वो रीजनेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए। और ये सही है कि गलत है वो कौन डिसाइड करेगा, वो हम सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेंगे, ठीक है। मतलब कोई भी पर्सन अगर उसे लगता है कि ये लॉ जो है वो रीजनेबल नहीं है, फेयर नहीं है, जस्ट नहीं है, तो वो कोर्ट जा सकता है, ठीक है, और कोर्ट क्या कर सकती है, उसे इनवैलिड करार कर सकती है। इसका मतलब क्या है, साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो एक्सप्रेशन है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का, ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वो इम्पोज कर दिया गया इंडिया में। इफेक्ट में देखें तो इफेक्ट में क्या है कि आर्टिकल 21 हमें जो प्रोटेक्शन देता है वो सिर्फ और सिर्फ आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट ही नहीं देता है, जबकि आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन के अगेंस्ट भी देता है, ठीक है। जबकि गोपालन केस में क्या था, उन्होंने कहा था कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन होती है जो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं चल रही होती है तो उसी के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्शन मिलता है। जबकि मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कोई भी लॉ, ठीक है, अगर वो अनरीजनेबल है, अगर वो अनफेयर है, अगर वो गलत है, तो उसको भी वो इनवैलिड कर सकती है, उसके अगेंस्ट भी हमें प्रोटेक्शन वो दे सकती है। तो अब इसके आगे फर्दर जो कोर्ट ने कहा, यही कहा कि ये जो राइट टू लाइफ है इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम एनिमल एग्जिस्टेंस की तरह सर्वाइव करें, ठीक है, हम कन्फाइंड हो जाए, सीमित हो जाए एनिमल्स की तरह रहने के लिए, नहीं, इसका एम्बिट जो है, इसकी जो सीमाएं हैं वो उन्होंने बढ़ा दी। उन्होंने क्या कहा कि हम, ये हमें और भी राइट देता है, जैसे कि राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है, हमें प्रतिष्ठा के साथ जीने का राइट देता है, और वो हर एस्पेक्ट लाइफ के, ठीक है, वो प्रोवाइड कराता है जो कि एक मैन की लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है, कंप्लीट बनाता है और वर्थ लिविंग बनाता है। और उन्होंने क्या कहा कि ये जो पर्सनल लिबर्टी है जो मेंशन की गई है आर्टिकल 21 में, ठीक है, इसका भी वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड है, ठीक है, इसमें क्या आता है, इसमें हर तरह के राइट्स जो आते हैं जो कि एक मैन के पर्सनल लिबर्टी के अंदर आनी चाहिए। मतलब इन्होंने कहा कि हाँ, इसके अंदर बहुत सारे राइट आते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन आते हैं, जैसे कि अच्छे एजुकेशन पाने का राइट, अच्छी इन्वायरमेंट में सांस लेने का राइट, ओके, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो इस तरह के राइट जो है वो पर्सनल लिबर्टी के अंदर आते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया होगा, इस तरह के और वीडियो के लिए आप साइलेंट पढ़ाई को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और वीडियो पसंद नहीं आया तो आप नीचे कमेंट करें कि आपको ये वीडियो क्यों पसंद नहीं आया।